हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे एक बड़ा वाला बैंगन लिया है, इसका तवा फ्राई बनाऊंगी। तवा फ्राई मतलब केले के पत्ते पे जैसे लपट के आता है ना, वैसे बनाएंगे इसका। ज़्यादातर मैं भरता बना लेती थी, नहीं तो तवा फ्राई बना देती थी, लेकिन आज थोड़ा अलग जैसा तवा फ्राई बनाएंगे। तो मैं इसको ना पतला पतला स्लाइस करके काट दूँगी। पहले इसको 5 से 7 स्लाइस होगा, 5 से 7 स्लाइस पतला ही रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, तो पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा अंदर। तो इसको मैं ऐसे ही पतला पतला करके काट दिया है। तो इसका पहले एक तवा फ्राई जैसे करते हैं ना, वैसा ही एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें मैं हल्दी पाउडर लिया है, काश्मीरी रेड चिली लिया है, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, और थोड़ा गरम मसाला, चिकन मसाला, और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, अदरक लहसुन और सूखा मिर्ची का एक पेस्ट बनाया था 1 चम्मच डाल दिया है, और दही 3 से 4 चम्मच मैंने दही डाला। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा धनिया पत्ता भी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैंगन के ऊपर इसको अच्छे से ये वाला जो पेस्ट है ना लगा देंगे। तो एक एक स्लाइस के ऊपर वाला जो रहता है ना, वो वाला लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। तो उसका जो इसको लगा कर ना 5 से 10 मिनट मैं रख दूँगी, तो इसका ना जो मसाला है अंदर तक चला जाएगा, कच्चा नहीं लगेगा। तो मैरिनेट करके इसको 5 से 10 मिनट में रख दूँगी। इसको अभी अच्छे से सारा सब लेयर में लगा दूँगी मसाले को। ये भी अच्छा लगता है खाने को, रोटी के साथ आप तो खा सकते हो, चावल के साथ खा सकते हो, चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा सारा मसाला मैं लगा दिया है बैंगन के ऊपर। तो केले के पत्ता लिया है, उसको अच्छे से तेल लगा दिया है, तेल लगाकर वो जो बैंगन को मैं लेयर लेयर किया था मसाला का, उसको रख देंगे। इसको अच्छे से धागे से बांध लेंगे, तो नहीं तो निकल जाता है, धागे से बांध लेंगे। मैं यहाँ पे धागे से बांध लिया है, तो इसको ना अच्छे से बांधेंगे, नहीं तो खुल जाता है बार बार। तो मैं इसको बांध लिया। अभी इसको ना थोड़ा तवा में थोड़ा तेल डालेंगे, फिर इसको ना 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में ना उसको पकने देंगे। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट हो गया है, तो इसको मैं पलट दूँगी। तो नीचे वाला देखिए अच्छे से पक गया है, फिर ऊपर वाला को पलट के ना नीचे से ऊपर पलट दूँगी, फिर केले के पत्ता ढक दूँगी, तो वापस 5 से 10 मिनट में पकने दूँगी। तो ऊपर नीचे दोनों साइड पक जाएगा तो अच्छा लग, मतलब खाने को अच्छा लगेगा, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। फिर इसको मैं खोलती हूँ, थोड़ा ठंडा होने के बाद खोलती हूँ, देखता हूँ कैसा दिख रहा है। अच्छा तो दिख रहा है, पक भी गया है, बहुत टेस्ट लगता है, चावल के साथ अच्छा लगता है, रोटी के साथ भी बहुत अच्छा।